मेरी बहन का हत्या किया गया है। कौन हत्या किया ये कोई पता नहीं हम लोगों को, वो तो हम लोगों से यही बोल के निकली है कि हम जा रहे हैं बुक लेने। बुक लेने के बाद 19 तारीख को 11 बजे निकली थी बोल के, अभी तक वो घर पे नहीं आई। सर बात हुई थी बच्ची घर पर थी, 11:30 बजे बाद निकली है कि मम्मी से कही कि बुक लेने जा रहे हैं सहेली के पास। उसके बाद सोची कि 1-2 घंटे बाद जाए, 4 बज गया 5 बज गया तो घबराने लगी। बनारस से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 20 फरवरी को बनारस स्टेशन पर लखनऊ बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में एक लावारिस बोरी में 16 साल की बच्ची की रस्सी से बंधी लाश मिलती है। GRPF तुरंत बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इस वारदात के 24 घंटे बाद मृतका की पहचान वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र भीटकुरी निवासी मोनिका पाल के तौर पर होती है। मृतका मोनिका के पिता पूर्णवासी पाल टू लाइफ को बताते हैं कि उनकी बेटी 19 फरवरी की सुबह लगभग 11 बजे अपनी सहेली के यहाँ किताब लेने गई थी, उसके बाद बच्ची घर नहीं लौटी। वहीं कपसेठी थाना इंचार्ज टू लाइफ से बात करते हुए बताते हैं कि पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, हर बिंदु की गंभीरता से जाँच की जाएगी। मैं राजेश कुमार पाल, मोनिका पाल का बड़ा भाई, उसके बड़े पापा का लड़का। आप लोग यहाँ पे चीर घर पे आए, क्या है मामला? पोस्टमार्टम का मामला है, मेरी बहन का हत्या किया गया है। कौन हत्या किया ये कोई पता नहीं हम लोगों को, वो तो हम लोगों से यही बोल के निकली है कि हम जा रहे हैं बुक लेने। बुक लेने के बाद 19 तारीख को 11 बजे निकली थी बोल के, अभी तक वो घर पे नहीं आई। 20 तारीख को उसको पता चला हम लोगों को जो भी GRPF के माध्यम से कि वहाँ पे है उसका बॉडी। जैसे होता है कि अगल बगल किसी से कोई दुश्मनी या किसी पे शक आपको कोई? अभी ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों का कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। थाने पे क्या रहा रिएक्शन? थाने पे रिएक्शन कुछ नहीं रहा, थाने पे हमने 20 तारीख को एप्लीकेशन दिया और 20 को वो शाम को आए भी और 21 को हम लोग गए, जैसे वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर FIR हम लोग को फोटो दिखाया गया। अभी आप लोग इतने एकजुट होकर आए, क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं मैम, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, 20 तारीख को थाने पर गए थे, एप्लीकेशन दिए थे। बिल्कुल एप्लीकेशन दिए थे, सुबह हम लोग का एप्लीकेशन पड़ा हुआ था। तो एप्लीकेशन वहाँ पे थाना अध्यक्ष ने लिया? हाँ लिया था 20 तारीख को। जी कोई जांच नहीं की? नहीं कुछ नहीं, शाम को आए थे बस वो चले गए। लेकिन बस हमको ये FIR रजिस्टर्ड होने के बाद अभी 24 घंटा होने जा रहा है, अभी कोई सुनवाई नहीं है, हमको इसका न्याय चाहिए। 24 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। लड़की मुल्तक कहाँ करना थी? भिटकुरी वाराणसी की। पूर्णवासी पाल। अंकल अपना परिचय दीजिएगा। आप पूर्णवासी पाल है, हमारी बेटी मोनिका पाल। हमसे बात हुई थी बच्ची घर पर थी, 11:30 बजे बाद निकली है कि मम्मी से कही कि बुक लेने जा रहे हैं सहेली के पास। उसके बाद सोची कि 1-2 घंटे बाद जाए, 4 बज गया 5 बज गया तो घबराने लगी। तो जो हमारे सब बच्चे दौड़ने धूपने लगे, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद जब मैं 8 बजे पहुंच रहा हूँ, फ़ोन किए तो घर मैडम बोल रही है कि कोई सामान चाहिए, करने कुछ नहीं चाहिए, तुम जल्दी चल। हमको कुछ शंका लगा कि कुछ घटना घटी। क्या उम्र रही होगी बच्ची की? हमारी बच्ची की उम्र 16 साल की थी। किस स्कूल में पढ़ती थी? कस्तूरबा इंटर कॉलेज सिरेरा में, सेवापुरी। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.